नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। आज प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित हुआ। कार्यक्रम था बच्चों के लिए मोटिवेशन क्लास का, जिसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री जी की पाठशाला। मूलतः यह कार्यक्रम जो था बच्चों को पढ़ाई और बच्चों को जो एग्जामिनेशन वगैरह होता है उसमें कैसे आपको झिझक मिटाना है, कैसे बेहतर करना है, इसका उन्होंने टिप्स दिया। तो नवादा के मॉडर्न इंग्लिश स्कूल जो कुंती नगर शाखा है वहाँ के सभागार में इसका लाइव प्रसारण किया गया। और 11-12 के बच्चों, चूँकि इन लोगों का एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो उनको इस क्लास का जो है सो प्रधानमंत्री जी की पाठशाला का लाइव जो है सो दिखाया गया और बच्चों ने इसका लाभ उठाया। अब लाभ बच्चों ने किस रूप में उठाया हमें बोलना उचित नहीं होगा। हम चाहेंगे कि उन बच्चों से ही हम आपको कुछ बात करा दें और जो टीचर हैं तो उनसे हम आपको बात करा दें कि आखिरकार एक तो विद्यालय के अंदर का जो प्रबंधन होता है, एक शैक्षणिक माहौल होता है, टीचर लोग तो जो करते ही हैं, कोई बड़े सेलिब्रिटी और खास करके अगर किसी देश के, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अगर प्रधानमंत्री बच्चों से डायरेक्ट संवाद कर रहे हो तो इसका कुछ एक अलग ही असर बच्चों के दिल और दिमाग पर पड़ता है। तो चलिए हम मॉडर्न सभागार की ओर चलते हैं और जो भी वहाँ का माहौल है और जो बच्चों से बातचीत हमने किया है और वहाँ के टीचर से, प्रिंसिपल से, तो वो हम आपको सुनाते हैं ताकि जो बच्चे इस पाठशाला को देखने से वंचित रह गए हैं, जो नहीं देख पाए हैं प्रधानमंत्री जी की पाठशाला को, वो इस बात को समझ पाए कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य क्या था, बच्चों ने किस रूप से इसे एडॉप्ट किया, अपने में समाहित किया। तो चलिए चलते हैं मॉडर्न सभागार की ओर। दोस्तों, एक अपील आपसे कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठाकर के पेड़ में रखे और धीरे धीरे पानी पाया। अब फिर उसे आराम से पानी पिया। सुना है नहीं कहा? आप इस मान का कहेगा, हम लोग कहेंगे इस मान का कहेगा। आप देखिए, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं के बारे में जानने को मिला है जो हमने कभी पहले सोचा भी नहीं था। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो मेरे दिमाग में भी उठ रहे थे, जिनके सवाल मैं भी कहीं जवाब ढूंढना चाह रही थी, पर ये देखकर वो सारे जवाब मुझे एक बहुत ही नए तरीके से देखने को मिले, जिन्हें मैंने पहले कभी ना सुना ना देखा। एक काफ़ी नया और रोमांचक ढंग से प्रधानमंत्री ने इसे व्यक्त किया। और बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमें गाइड कर रहे हैं, हमें नई दिशाएं दिखा रहे हैं, आप इनका अपने जीवन में प्रयोग करें और इनके अनुसार अनुसरण करके अपनी समस्याओं का हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी काम कठिन नहीं है, आप काफ़ी आसानी से उसे कर सकते हैं, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है। क्या नाम है? अनुष्का राजलक्ष्मी, 12th ए में हूँ। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को एग्जाम के प्रति जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब मिलेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी अपने जो परीक्षा का स्ट्रेस रहता है उसको कम कर पाते हैं। व्यक्तिगत लाभ क्या? हमको इससे मिला कि परीक्षा में जो स्ट्रेस होता है उसको कम कैसे किया जाए और परीक्षा में सभी विषयों की तैयारी में कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, हमको ये दो चीज़ का लाभ मिला है। यस सर, आयुष हीरा और 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ और मॉडर्न इंग्लिश।
सर बताया कि जो प्रधानमंत्री जी का जो बच्चों के लिए ज्ञान के प्रति जो ये क्लास चल रहा है इसको किस रूप में आप लग रहे हैं शिक्षा के? ये बहुत बेहतरीन है। प्रधानमंत्री जी का ये जो परीक्षा पे वो चर्चा चल रहा है ये बच्चों के लिए बहुत मैंने फायदेमंद है और ये बच्चों को बहुत इसमें सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दे दिया जा रहा है बच्चों को कैसे परीक्षा पे टेंशन नहीं लेंगे, बच्चों कैसे परीक्षा का तैयारी करेंगे, ये सब के बारे में जो प्रधानमंत्री जी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेरा नाम गोपाल चरण दास हूँ है, मैं प्राचार्य हूँ ये मॉडर्न इंग्लिश स्कूल का। पहला लेक्चर होता है ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूँ किसी से भाई और समझ मिलने के रूप में देखते हैं आप ऐसे कैसे करते हैं मोदी जी, कृपया हम युवाओं